हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। वही मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लगातार लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में जिला सचिव नवीन गोयल डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, साथ ही कई जनसभाएं कर लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। वहीं शनिवार को आयोजित जनसभा को उन्होंने टाल दिया और इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि अरुण जी का हमारे बीच से जाना एक पार्टी को ही क्षति नहीं है बल्कि देश का एक ऐसा सपूत चला गया जिसने हर पड़ाव पर देश के लिए कुछ बेहतर किया। वहीं नवीन गोयल ने लोगों से अपील की है कि गुरुग्राम में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए वो तैयार रहें। उन्होंने कहा कि सीएम का गुरुग्राम से गहरा नाता है और यही कारण है कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम से कई बड़ी समस्याओं को खत्म किया और जो काम बचे हैं उनका भी जल्द समाधान हो जाएगा। माननीय मनोहर लाल जी हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को तैयारियों को लेकर के हमने कल एक बैठक बुलाई थी एक राजपूत वाटिका में, उसकी सूचना देने के लिए था और माननीय मनोहर लाल जी की सदर बाजार में हमने एक पॉइंट मिला है तो उसमें हम स्वागत करने की तैयारियों को लेकर के था। लेकिन हमारे एक बड़ी दुख की घटना आज हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं तो पूरा देश शोकाकुल है, तो हमने कल के इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। हमारे गुड़गांव में एजुकेशन को लेकर के और हेल्थ सबसे बेसिक नीड दो चीज होती हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज और नए खुलवाने के लिए हम काम करेंगे, मेट्रो के लिए हम काम करेंगे। पोल्यूशन हमारा शहर है तो पर्यावरण के ऊपर मेरा बड़ा फोकस रहेगा और हमारे माननीय मनोहर लाल जी का इतना दिल उदार है कि जो उनसे कुछ भी गुड़गांव के लिए उन्होंने मांगा है तो उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी एक धरातल पर कुछ चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी था जो रह गई है और मैं उसके लिए संकल्प है कि मेरा उसके लिए हमने करना है, चाहे उसके लिए हमें अधिकारियों के पीछे पड़ना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी से हमने उन योजनाओं को लागू करवाना पड़े।